प्रियम, दिन है आज जुमेरात का, तारीख है 6 अगस्त 2020। सबक जो हम पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 3, गजा और खुराक को समझना। ठीक है बेटा, इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं गजा के बारे में, गजाई अज्जा के बारे में। गजा में शामिल कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे मिलकर गजा बनती है, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, विटामिन, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अफराद की गजाई जरूरियात, सफा नंबर 72 से। ठीक है, अपनी बुक का पेज नंबर 72 खोलें, ओपन कर लें, उधर से आज हम पढ़ेंगे अफराद की गजाई जरूरियात, जिनके किसी भी फर्द को किस तरह की गजा की जरूरत होती है और कैसे उसको गजा इस्तेमाल करनी चाहिए। गजाई जरूरियात की सबसे पहले तारीफ करते हैं, बचपन से जवानी से और जवानी से बुढ़ापे तक कहा जाता है कि इंसान को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, यानी कि इंसान की जो वाहिद का हिस्सा है, यानी कि जो उस इंसान का बढ़ने का अमल है, नशेनुमा का अमल है, वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। जिसम के नए खुलियों की तामीर हो रही होती है, बाल जो खुले होते हैं वो हादसात, दबाव, बोझ और किसी मर्ज के बायस फूटते फूटते रहते हैं, फिर उसकी जगह नए खुलिये भी बनते रहते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम लोगों को एक जैसी गजाई जरूरियात की जरूरत होती है या गजा की जरूरत होती है। उसके लिए क्या है कि हर जिंदगी के हर दौर में गजाई जरूरियात में इजाफा और कमी होती रहती है। इंसानी जिसम को काम करने और चाकू चौबंद रखने के लिए तवानाई दरकार होती है, ये सिर्फ खुराक से हासिल की जा सकती है। जो लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं इन्हें ज्यादा हरारत और तवानाई, और जो लोग आराम की हालत में होते हैं इन्हें कम तवानाई की जरूरत होती है। तवानाई किस तरह मिलेगी, आपको आपकी गजा से मिलेगी। इसके अलावा तमाम जिस्मानी निजाम, मसलन अस्थि निजाम, निजामी निजाम, निजामी दौरान खून वगैरह की दुरुस्त कारकर्दगी में गजा क्या करती है, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आपकी गजा अच्छी है तो आपके जिस्म के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी हिस्से हैं, वो सारे अच्छे से काम करेंगे। हर फर्द की जिस्मानी निजामों की कारकर्दगी की रफ्तार और अंदाज में फर्क होता है, इसके लिए इनकी गजाई जरूरियात भी मुख्तलिफ होती है। कह सकते हैं हम इस तरह भी इसको ले सकते हैं कि कोई भी दो अफराद की गजाई जरूरियात मिलती जुलती तो हो सकती है, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। कैसे एक जैसी नहीं हो सकती, एक बंदा जो घर में रहता है उसको कम गजा की या कम तवानाई की जरूरत होती है, और एक फर्द जो घर से बाहर जाता है और काम करता है उसको ज्यादा तवानाई और ज्यादा गजा की जरूरत होती है। हर फर्द की गजाई जरूरियात दूसरे से मुख्तलिफ होती है। वही गजा जो किसी फर्द के लिए मुतवाजन भी ला सकती है और दूसरे फर्द के लिए गैर मुतवाजन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गजाई जरूरियात पर असरअंदाज होने वाले अवाम। जिस तरह अभी आपको मैंने बताया कि उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारी नशनुमा की रफ्तार और सेहत के मियार को बरकरार रखने के लिए हमें गजाई जरूरियात जो है उस गजाई जरूरियात की जरूरत होती है, लेकिन ये बदलती रहती है। गजाई जरूरियात का तखमीना आमतौर पर खुराक से हासिल करदा हरारत और तवानाई के मकदार से किया जाता है। कैसे, यानी जो हम खुराक खाते हैं या जो भी हम गजा खाते हैं, देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी हरारत या उसकी हमें कितनी तवानाई हासिल होगी। इसके लिए हरारत नापने की इकाई कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने एक कोर्स काम काज करने वाली बालिग मर्द और औरत के लिए खास तौर पर कैलोरीज की मकदार का तयन किया है। 25 साल की खातून जो मुतदिल आबो हवा में रिहाइश पजीर हो, इसको तकरीबन 1800 से 2100 तक कैलोरीज की जरूरत होती है, जबकि एक मर्द जो इसी उम्र और आबो हवा में रिहाइश करता हो, इसको 2150 से 2450 कैलोरीज दरकार होती है। गजाई जरूरियात और कैलोरीज की मकदार पर दर्जा जैल अवामिल असरअंदाज होते हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह आपको कितनी गजा चाहिए, उस गजा में कितनी तवानाई होनी चाहिए और वो किस उम्र के लिए है। तो इसके ऊपर गजाई जरूरियात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं, उम्र, जींस, काम काज करने की नौयत, मौसम, जिसम की बनावट और जिस्मानी कैफियत। उम्र किस तरह इसमें शामिल है, ठीक है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। उम्र को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए गजाई जरूरियात का तायिन किया जाता है। उम्र में इजाफे के साथ साथ गजाई जरूरियात में भी वाजह तब्दीली आ जाती है। बड़ों के मुकाबले में बच्चों को ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, क्योंकि बचपन के एतबार में इनकी नशिमा बहुत तेजी से हो रही और जिस्मानी तौर पर भी वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, इस वजह से इन्हें ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। 20 साल की उम्र तक कद और जिस्म के साथ
तक पहुंच चुके होते हैं, पुख्तगी तक यानी कि किस्म के मुकम्मल हो चुके होते हैं, ठोस हालत में आ चुके होते हैं। इसलिए इस दौर में सिर्फ इतनी गजाई असर दरकार होते हैं जो इनके वजन को इतदाल लेके बैलेंस पर रख सके और इनको सेहत और तंदुरुस्ती के मुताबिक कायम रख सके। बुरे अफराद को नौजवानों की निस्बत कम खुराक की जरूरत होती है क्योंकि इस उम्र में वो ज्यादा मुशक्कत वाला काम नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी कैलोरीज की जरूरत में खातर ख्वाह कमी वाक हो जाती है, लेकिन फिर भी सेहत बरकरार रखने के लिए इनको मुतवाजन ग़िज़ा की जरूरत होती है। जींस किस तरह असर अंदाज होती है? ग़िज़ा की कमी में जींस भी असर अंदाज होती है। कैसे? क्योंकि मर्द जो है वो घर से बाहर काम करते हैं, थोड़ा हैवी काम करते हैं, सब काम उन्होंने करना होता है, इसलिए उन्हें औरतों की निस्बत ज्यादा ग़िज़ाई ज़रूरियात की ज्यादा जरूरत होती है। नेस इसके अलावा मर्दों को इनकी जिस्मानी बनावट और कटफाट की वजह से भी ज्यादा कैलोरीज दरकार होते हैं। कामकाज की नोयत के लिहाज से ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। जो लोग जिस्मानी मेहनत और मशक्कत ज्यादा करते हैं इनको निस्बतन ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है, जबकि आराम की हालत में कम हरारे दरकार होते हैं। इस लिहाज से इन अफराद को चार ग्रुप में तकसीम किया गया है। कौन कौन से? हल्का फुल्का काम करने वाले, कौन से अफराद? जो घर में दफ्तर में काम करने वाले अफराद, की डॉक्टर उस्ताजा, दरमियाना काम करने वाले अफराद, तलबा माहिगीर सिपाही, मशीनी सनतों में काम करने वाले मजदूर और घरेलू खातून, सख्त काम करने वाले अफराद, काश्तकार, मजदूर, भारी सनतों में काम करने वाले कारकुन, खिलाड़ी, तैराकी करने वाले अफराद, ज्यादा मुशक्कत का काम करने वाले अफराद, कोहकुन, जंगलात काटने और कोयले की खान में काम करने वाले अफराद, ये जो लोग हैं इनको इनके काम के हिसाब से ग़िज़ा की जरूरत होती है, ठीक है, और उनको इनके काम के हिसाब से दवाई की जरूरत होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सब लोगों को, सब अफराद को एक जैसे ग़िज़ा की जरूरत होती है। उसके बाद आ जाता है मौसम। सर्दियों के मौसम में ज्यादा हरारत दवाई दरकार होती है। किस लिए बेटा जी? क्योंकि सर्दी होती है, हमारा जिसम सर्दी को उस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हमें ज्यादा हरारत और तवानाई दरकार होती है अपने जिसम को बैलेंस गर्माइश पहुंचाने के लिए। इसलिए मुर्गन और तली हुई गुजाओं और खुश में मजात और मकसियात का इस्तेमाल घट जाता है। गर्मियों में मशरूबात और फलों का इस्तेमाल बहुत रात से किया जाता है, खासतौर पर तरबूज, खरबूजा वगैरह। पानी का इस्तेमाल ज्यादा मिकदार में होने से खुराक कम खाई जाती है। जिसम की बनावट, दुबले शख्स की नस्बत मोटे शख्स को अपनी जिस सामर्थ्य के मुताबिक ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी उम्र के औसत वजन से ज्यादा वजन रखता हो तो फिर इसे ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए जिसमें चिकनाई ज्यादा ना हो और हरारे भी कम हो। जिस्मानी कैफियत, बीमार शख्स को अपनी कोई भी तवानाई बहाल करने और कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए ज्यादा हरारत और ग़िज़ा की जरूरत होती है। इसकी तरह हामला ख़वातीन और रज़ाई ख़वातीन को भी बच्चों की नशोनुमा के लिए ज्यादा हरारे दरकार होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं के ग़िज़ाई ज़रूरियात हर फर्द को उसके काम, उम्र, जींस और मौसम के मुताबिक उसकी ज़रूरत होती है, उतनी ही तवानाई और खुराक उसे ज़रूरत होती है। बेटे जी, आज का आपका यही टॉपिक है, ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी मैंने आपको पढ़ाया।